किस देश में लोगों ने बैंकों में लगा दिया, किस देश में यूक्रेन को सैन्य मदद न देने के समर्थन में हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन, और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में किस बात पर हुआ हंगामा, दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखिए वॉल एक्सक्लूसिव टॉप 9। लेबनान के राजधानी बेरूत में नाराज लोगों ने बैंकों में ही आग लगानी शुरू कर दी। लोग सरकार के नए एक्सचेंज नियम को लेकर नाराज थे। इस नियम के चलते लोगों की जमा पूंजी में 90% की गिरावट आ गई। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए रैली निकाली। लोगों ने यूक्रेन को हथियार न देने के ऑस्ट्रिया सरकार के फैसले का भी समर्थन किया। नए प्रवासी कानून के प्रस्ताव को लेकर फ्रांस के कई शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जो प्रवासी लंबे समय से फ्रांस में रह रहे हैं उन्हें बिना दस्तावेजों के ही देश में रहने की इजाजत दी जाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पाकिस्तान में कब किस बात पर हंगामा हो जाए कहना मुश्किल है। अब लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में बॉलीवुड डे मनाने पर यहां के छात्र कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। बॉलीवुड गानों पर छात्र एक्टिंग करते नजर आए थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सामान की आवाजाही को लेकर तनाव इस कदर बढ़ गया है कि अफगानिस्तान सरकार को तोरखम बॉर्डर को सील करना पड़ा है। आतंकवादियों के मुद्दे पर दोनों देशों में तनाव गहराता जा रहा है। पाक अफगान बॉर्डर के चमन पोस्ट पर अफगानिस्तान के व्यापारियों ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने पाकिस्तानी आर्मी पर अवैध तरीके से उनके ट्रकों से सामान जब्त करने का आरोप लगाया। फेसबुक इंस्टाग्राम की कंपनी मेटा ने यूजर्स के लिए पेड ब्लू टिक वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसे शुरू किया गया है। इससे पहले एलन मस्क भी ट्विटर पर पेड ब्लू टिक सिस्टम शुरू कर चुके हैं। अफगानिस्तान के आर्थिक हालात सुधारने के लिए तालिबान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब अफगानिस्तान के पूर्व अमेरिकी सैन्य अड्डों को इकोनॉमिक जोन में तब्दील किया जाएगा। काबुल और वल्फ प्रांत से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। अर्जेंटीना लंबे समय से सूखे की चपेट में है। यहाँ की नदियाँ सूख रही हैं और सिंचाई के लिए पानी की कमी के चलते फसलों के उत्पादन पर भारी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।